सुल्तानपुर जिले के विकास खंड कुरेभार के अंतर्गत ग्राम गौहानी धोबीभार में श्री चंद्रभान सिंह के घर पर आज रात 1 बजे डकैतों ने बोला थावा, जिसमें लाखों रुपए का हुआ नुकसान और घर के परिवार वालों को बंधक बनाकर लूटा। मौके पर मौजूद चंद्रभान सिंह ने बताया कि मेरे घर वालों को रात को 12 बजे के करीब बंधक बना लिया गया और चोरों द्वारा कट्टे और पिस्टल से छाती पर रखकर बेधड़क चोरी की गई और हमारा लाखों रुपए का सामान उठा ले गए। इंडिया समाचार के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ पंडित एसपी भट्ट की ये खास रिपोर्ट। इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। जो चोरी हुई है इसके बारे में संदर्भ में सीओ साहब आए हैं जानकारी लेने के लिए। कब खुलासा होगा सर? कब खुलासा होगा? जल्दी खुलासा होगा, जल्दी खुलासा होगा। और बाकी तो हम लोग को रात दिन लगी रहती है पुलिस। हाँ, 1 बजे घटना है। हाँ, मैं तो सो रहा था बाहर, घर में सब अंदर से घुसे, उसके बाद में सब लेके चले गए जीने के रास्ते से आए लोग। कितने रुपए का नुकसान हुआ? 6 लाख के आसपास। 6 लाख का? कितने आदमी थे पता तो होगा? क्या तो लगभग 10 के आसपास रहे होंगे। ऊपर छत पे भी थे क्या? जरूर जरूर, तो देखने से पता लग रहा है कि ऊपर से दोनों से। तो इसमें कोई किसी पे आपको संदेह? क्या बताएं, किसको संदेह करने के? इसके ऊपर संदेह करने का मतलब उसे किसी से नॉमिनेट करना, तो ऐसा कुछ है नहीं है। जो किसको देखा नहीं आंखों से, किसको बता देंगे। अच्छा अच्छा, तो कुछ सामान वामान बरामद हुआ? थोड़े हैं कुछ सामान जो ले जा रहे थे उसमें कुछ छूटा है। जो डंडा वंडा लेकर आए थे मारने के लिए सफेदे का, अच्छा अच्छा, वो डंडा पड़ा हुआ है। उसके बाद जो बक्सा ले गए उसकी कबर जो पड़ी हुई है। अच्छा, आगे जो एक टावल है, टावल जो होती तौलिया, तौलिया भी एक छोड़ के गए हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है हमें दिखाइए। हाँ चलिए, देख सकते हैं। दिखाइए, कम से कम 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है ठाकुर जी का, जो कि गौहानी गाँव से, चंद्रभान सिंह गौहानी गाँव के हैं। रात में 2 बजे डाका पड़ा है। माता जी, आपको कुछ सुना जब चोर आए, कुछ पता लगा था? 2 बजे नहीं यार, 12:30 बजे। हाँ, 12:30 बजे। हाँ, 12:30 बजे आ रहे हैं भैया, लूट उट ले रहे थे सामान। तो हमारा आँख खुली पेशाब करे गए, तो अपन उठ के, हाँ जब हम उठे थे जात है, तो मैं ढकेल के कह माता चोर सो 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 नहीं चाकू भोंक दे, अभी डाक दे गोली मार, गोली मार। हम भाई ऐसे मार सिकोट पे ऐसे बैठ के हमें ढकेल के परत पे रजाई ओढ़ाई दे, पर्दा टांग दे, बंधक बना दिया एक प्रकार से, जान लो आपको बंधक बना दिया। तब थर हम कापा के मार हिम्मत न, जब कुल्ले के जब कुल्ले के सामान जा था तो हम लखा थे कहा था सो 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 ऐसे ढकेल थे भैया। तो क्या जो आए थे वो कपड़े बांधे हुए थे? हाँ, सब मुँह में कपड़े थे। कैसे कपड़े पहने थे भैया? एक तो ऐसे महिला महिला जो हमें पास रख खड़ा था वो तो लम्बा था, पगड़ बांधा था, मुँह में लपेटे थे और गेरुआ रंग के नीचे था, गेरुआ रंग का। हाँ, और एक जो ये भूल उड़ा था नौरंगी रंग के, महिला महिला अंगोछा रहा है, महिला महिला अंगोछा था। कुल मिला के कुछ इनपुट तो ये दे रही हैं, जो आए थे चोरी करने वो भगवा रंग का पहने थे, हमारे भगवा रंग का कपड़ा पहने थे, अंगोछा भगवा रंग का रहा, अंगोछा वो। तो इसमें आपको किसी के ऊपर संदेह है भैया? हम जम्मू बाने हैं, तबके का पहचान था। अच्छा अच्छा।